देख लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या हाल हो रहा है रिपोर्ट का। हेलो मेरी टू फैमिली, गुड मॉर्निंग। और अभी से मैंने मतलब आज ये टेस्ट वगैरह करा के दोबारा से अभी 3 बजे जाएंगे, तो अभी बस नहाया धोया है, दिया बत्ती की है। और देवू के बिना रहना तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, पर अपने आप को बहुत संभालती हूँ, बहुत हिम्मत दिखाती हूँ ताकि उसकी कमी मुझे महसूस ना हो। दिन में 1-2 बार वीडियो कॉल कर लेती हूँ, हालांकि फ़ोन में वो इतने अच्छे से बात नहीं कर पाता है, पर वीडियो कॉल में बात कर लेती हूँ। और अभी करीब 1:30-2 बज रहा होगा, तो बस अभी मैं फ्री हुई हूँ। और अभी 1.5 घंटे बाद हमें हॉस्पिटल जाना है। अब देखो वहाँ जाके क्या बोलते हैं डॉक्टर, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। आप मेरी ऐसी वीडियो में बने रहिएगा, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो हम तैयार हो गए हैं। पानी यानी रखना है बॉटल, एक बार गैस चेक कर लूँ वरना भूल जाती हूँ अक्सर। वहाँ पे करीब टाइम लगेगा, भूल तो नहीं जाती हूँ, पर मेरी आदतें ये कि चेक कर लूँ एक बार सब कुछ। वहाँ पे 1-1.5 घंटे लगते हैं, इसलिए स्वेटर भी पहन ली है, हालांकि धूप रहेगी। तो चलो फिर आप लोगों से आगे मिलते हैं। निकल आए हैं, इसमें दवाइयाँ वगैरह हैं और इन्होंने ये हाथ में फाइल पकड़ी हुई है। सबसे पहले अभी दवाइयाँ लेने जा रहे हैं क्योंकि कल दवाइयाँ मिली नहीं थी मुझे। और ऑटो में नहीं जा रहे हैं, वरना यहाँ से 10 मिनट की दूरी में है, 50-60 रुपये ले लेगा। तो बस पैदल जा रहे हैं हम। अभी 1-2 रुपये मेडिसिन ली है जो कि डॉक्टर ने चेंज की थी। बस और नींद आ रही थी कि खाना खाए थे। डॉक्टर 3 बजे ही मिलते हैं। तो धूप तो काफ़ी कड़ी है, अब हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं। वो दूसरी साइड है, ये हॉस्पिटल की दूसरी साइड, और इन्होंने डबल मास्क लगाया हुआ है। ठीक है, किस चीज़ से हो? मुझे लगता उस समय सर्दी जुकाम थी ना। और ये फाइल पर्ची कटवानी पड़ती है, मतलब 700 रुपये की स्लिप पर्ची कटती है, वो केवल 15 दिन कटती, 15 दिन के लिए होती है, 15 दिन के लिए होती है। तो अभी फिर से हमें कटवानी पड़ी, तो कटवा ली है। चलो अफसर के केबिन चल जाए। का ही है शायद, जो मेरे पुराने व्यूज होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, उनको पता होगा। तो हम यहीं आके बैठते हैं हमेशा से। यही हमारे डॉक्टर का क्लिनिक है, जो कि हमें हर हफ्ते जाना होता है। तो वो हमारा गुरुवार का दिन है। काफ़ी किडनी ट्रांसप्लांट के पहले वाले लोग भी हैं और बाद वाले लोग भी हैं। और ये सर जो है ना, पिंक शर्ट पहने हुए हैं, तो इन्हीं मेरा मतलब 3 डॉक्टर हैं यहाँ पे, जो कि पार्टनरशिप में है शायद, अब वो मुझे नहीं पता अच्छे से। पर इन्होंने ही मेरा, जब मुझे अच्छे से याद है, हॉस्पिटल के मतलब ऑपरेशन हो रहा था, तो ये सर को मैंने देखा हुआ था जब तक होश में रहा। और आप मेरी अगर ऑपरेशन वाली जो थिएटर के अंदर क्या कहानी हुई थी या कैसा था, अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस, ऑपरेशन कैसा था या मुझे कितना डर लग रहा था। वो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया है, जो कि बहुत भयंकर था। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर से आप लोगों से शेयर भी करूँगी। और अभी मतलब हमारा नंबर नहीं आया है, वहाँ पर मेरे हस्बैंड लोग बैठे हुए हैं, मैं बैठी हुई हूँ वहाँ पर, वो डॉक्टर का केबिन है। और यहाँ पे भी ना मतलब मेरे एक सब्सक्राइबर मिल गए थे जो कि कटनी से शायद, तो वो अचानक से आ गया। अचानक से उन्होंने बोला कि आपकी वीडियो बनाती हैं, तो मुझे अचानक से एक तो अजीब लगा। फिर उन्होंने कहा कि हमारी पूरी फैमिली आपकी वीडियो देखती है,
उनके साथ पापा जी का किडनी ट्रांसप्लांट होना है, लगता है ना थोड़ा सा कि जब कोई मिलता है ना, अचानक से जब कोई मिल जाता है। तो देखिए एक के बाद एक कोई ना कोई भीड़ लगी रह रही है, हम कितना भी लेट जाएं पर भीड़ सर के मतलब केबिन के बाहर इतनी ही रहती है। और ये हमारे डॉक्टर सर का कृपलानी सर का केबिन है जो कि काफ़ी भीड़ थी, और सच में यहाँ मेरी ख्याल से हर दिन ट्रांसप्लांट होते हैं एक दो, क्योंकि यहाँ पे मतलब हर चीज़ को लेके अच्छा ही है ना। तो बस यहाँ पे देखी भीड़ इतनी थी और हमें 3 बजे बुलाया था, फिर भी इतना टाइम हो गया और ये यहाँ पे अपना। तो मुझे मतलब जब मैंने आज इतने सारे पेशेंटों को देखा किडनी वाले, तो मुझे पता इतना ज़्यादा डर लग रहा था, और मैं तो यही बोल रही थी उनसे कि अब समझ में आ रहा है कितने सारे पेशेंट निकल निकल के आ रहे हैं, मतलब कि इतनी ज़्यादा बीमारी हो गई है अब कि मत पूछिए। हर घर में मतलब कोई ना कोई बीमारी तो थी पहले ही, पर अब मुझे लगता है कि ये बीमारी कुछ ज़्यादा ही उभर के आ रही है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, आप समय समय पे जांच भी कराइएगा। अच्छी है, मोटिवेशन है और अच्छा फीडबैक है यहाँ के हॉस्पिटल का, और उनका भी डायलिसिस इत्तेफाक से वहीं होता था ना, सिटी हॉस्पिटल जबलपुर में ही होता था जहाँ से हम हैं, और वो कटनी से थे, मैयर से थे। तो ये सब देख सुन के भी अच्छा लगता है कि चलो मेरी वीडियो के माध्यम से कोई मोटिवेशन भी होगा और इस हॉस्पिटल का लोगों को फीडबैक भी मिलेगा, है ना। और बाकी बातें मैं आपसे घर चल के करूँगी, क्योंकि अभी बैग लिया और इतनी टाइम तक काफ़ी बैठना पड़ा तो थक गई हूँ, है ना। घर जाके मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देख लीजिए जो ये बढ़ के आ रहा था, ये मैं भी आपको 50 बता रही थी ना कि 50 आया था, पर ये 50 नहीं है, 164 है, जो कि किडनी का सबसे मेन क्रिएटिनिन सीरम ही है, इसी से हमें पता चलता है। हालांकि रहना इतना चाहिए, है ना, पर मेरे हस्बैंड का इतना आ रहा था, इस वजह से इस चीज़ को लेके काफ़ी टेंशन थी। और ये आप ये डेट देख सकते हैं, ये 14/10/21 दीपक पटेल, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रही थी। तो अभी ये देखिए ये कल की रिपोर्ट है, और कल की अच्छी आई है, ये 11/11/2021 और क्रिएटिनिन सीरम है 1.20। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद तो मतलब थोड़ा सा हम घबरा गए थे इस रिपोर्ट को देख के, और जो कि आप लोगों से मैं बताना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था, है ना। पर उसके बाद डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ चेंज की, इसलिए तो हम डॉक्टर हर हफ्ते बुलाता है, तो अब ठीक है, है ना। और ये देखो अब इसमें कम आ गई, ये 164 है और ये 120 है, तो इससे बहुत राहत है। बस यही रिपोर्ट है, और इसी से थोड़ा सा डर लग रहा था, पर अब ठीक है, डर ख़त्म हो गया है। और अभी मेरी बिंदी बहुत ज़्यादा, बिंदी जब भी यहाँ पे लगाओ ना तो जाने टाइप की लगती है, हालांकि इधर लगाती नहीं हूँ। और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, तो उनके लिए बना रही हूँ नाश्ते में ये उपमा। और आप लोगों से जो ज़रूरी बात थी वो तो मैंने आप लोगों से बता दी, मतलब कि इनको डॉक्टर मतलब जो इनकी रिपोर्ट थी वो थोड़ी सी हल्की सी गड़बड़ आ रही थी, और जो क्रिएटिनिन था समथिंग 150 पहुंच गया था, और जैसे हम घबराए हुए थे, पर दोबारा से डॉक्टर ने मेडिसिन जब दोबारा से चेंज की, तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला है कि ये 6 महीने तक क्रिएटिनिन 2 तक भी चला जाता है, मतलब कि किडनी को अब सिर्फ बैठाला जाता है, उसको बैठने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अब इनका क्रिएटिनिन 1.20 में है, तो इसलिए से घबरा गई थी, और मैं आप लोगों से इसलिए नहीं बताना चाह रही थी क्योंकि मैं डर रही थी कि आप लोग भी बोलेंगे, और सबसे ज़्यादा जो मेन है किडनी में वो क्रिएटिनिन को ही लेकर है। आपका अगर थोड़ा सा भी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है तो टेंशन होने लगती है, सो मुझे भी हो रही थी क्योंकि 1.50 बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 2 तक भी मतलब होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने समझाया है कल हमें, और जितने वहाँ पे पेशेंट थे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है।
और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी लोगों का वहाँ पे गया है पर अब मैनेज होने लग रहा है। और ये खान पान से नहीं है, कहा है कि कुछ गोलियाँ ऐसी रहती हैं जो सूट भी नहीं करती हैं, पर बाद में उनको चेंज किया डॉक्टर ने, इसलिए वो हर हफ्ते बुलाते हैं मतलब भाई किडनी को मैं दूसरी दवाइयाँ देने के लिए। यही बात थी और हमने बात की है। बातें करते करते देखिए मेरा नाश्ता ही बन गया जो कि मैंने उपमा बनाया हुआ था। चलो अब इनको दे दूँ और वीडियो को भी यहीं पे एंड कर दूँ। आज का थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद रहती है। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग में लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना ध्यान रखिएगा।